गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। हाँ, गला फंसा हुआ है भाई, गले की बैंड बजे पड़ी है। फीवर इतना कल तेज़ था मेरे को, बहुत तेज़ फीवर, पता नहीं अचानक से इतनी शिवरिंग हो रही थी। गाड़ी निकालते भाई, गाड़ी आज फाइनली हम ले जा रहे हैं। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होगे कि भाई इस गाड़ी को अपन आज शिप करने वाले हैं और इसको ना जो कंपनी है ना उसको दे देंगे। तो सुबह 6 बजे कल रात में सोते सोते मेरे को दो ढाई बज गए थे और सुबह 6 बजे अपन को निकलना है क्योंकि 6:30 या 7 बजे अपनी फेरी है। चलो सामान रखते हैं और यहाँ से भाग लेते हैं। देखो वैसे तो जब आप गाड़ी शिप करते हो ना तो आपको तेल पूरा खाली करके देना पड़ता है, मतलब मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए क्योंकि कंटेनर वगैरह में ना इतने सारे फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स आप नहीं ले जा सकते। तो अपना तेल तो भरा ही हुआ है यार, ये पता नहीं कब लिया था हमने, बट तेल तो भरा हुआ है। चलो अब देखते हैं भाई। हीटिंग ऑन किया मैंने, सीट और इसकी दोनों की, ठंड लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, कपकपी हो रही है यार। जल्दी जल्दी घर पहुंचना है। और एक आपको चीज़ बताऊं, कोइंसिडेंस ही कह लो भाई, आज जो शिप की टिकट है ना वो हमने इसलिए की थी कि मैं वहां से आऊँगा और आज तक विंडशील आ जाएगा हमारा और आज रिप्लेस करा के, मतलब मैं 28 तारीख को आने वाला था लंदन से और आज हम जाएंगे नॉर्वे और स्वीडन के लिए। आई मीन यही रीज़न था कि इसमें हमने ना स्नो वाले टायर्स लगवाए थे, मतलब विंटर टायर्स लगवाए थे बिकॉज वो मैंडेटरी था। जो होता है अच्छे के लिए होता है यार, कुछ ना कुछ तो भगवान ने सोचा ही होगा। इतनी जो हमने मेहनत मशक्कत की ना तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली भगवान ने सोचा होगा कि भाई हाँ ठीक है इतना ही था भाई। किस्मत से ज़्यादा और भगवान जब तक नहीं चाहे तब तक किसी को कुछ नहीं मिल सकता। आई थिंक सर आ गए। हाँ चलो, हाँ ठंड भाई, सुबह सुबह ठंड लग रही है। हीटेड सीट ऑन कर दो सर का भी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे आप? बढ़िया भाई, बढ़िया। हाँ रेड बुल, इट विल गिव अस विंड। मैम आई है छोड़ने? नहीं नहीं, अच्छा वो गाड़ी ले जाएगी बाद में आके। ओके, रात को तो पूरी उसको वो थी, she was enthusiastic, I will drop you in the morning. morning को ये कहती, you take the car, I'll pick it up later. सही है। तो आपकी गाड़ी की टिकट? टिकट हाँ इधर है ना। सबसे मजेदार बात है ना कि होटल सब चीज इतना पास पास है ना टालन में कि ज्यादा ट्रैवल नहीं, यही से ना अंदर? नहीं, अच्छा इससे भी आगे डी टर्मिनल से अपन शिप पकड़ेंगे। इनके मशीन ने हमारा नंबर पढ़ लिया था? नंबर तो हमने पहले भरा हुआ था। अच्छा भरा हुआ था, ओके तभी। तो वो तो उसमें जब हमारी बुकिंग देखी हमारे नाम से तो इसका नंबर। हाँ लेकिन नंबर चेक नहीं किया ना कि कौन सी गाड़ी लेके हम ना, और आज हम वो सेम पीछे कैमरा चेक कर लेता ना भाई। ये है अपनी सामने शिप, ठीक है। ये तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि हम टेस्ला लेके गए थे, टेस्ला की जब सर्विसिंग हो रही थी तो क्या पता था कि टेस्ला लेके जाएंगे और फिर एलसी को छोड़ने जाएंगे, नहीं तो हमने तो ये सोचा था कि भाई एलसी को भी इधर लेके ही जाएंगे। चलो बढ़िया है भाई। भाई अब अपना नंबर भी आ गया था और यहाँ से अपन देखते हैं। इस बार हमने गराज वाली वो नहीं ली थी, इस बार हमने नॉर्मल जो आता है ना क्या कहते हैं इसको, गोल्ड गोल्ड वाला लिया था। तो हम नीचे लगाएंगे गाड़ी बेसमेंट में और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग तो कुछ कर दी नहीं थी। शॉपिंग का एक्सपीरियंस ले ही लिया था, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा अपने लिए। बाकी देखने में तो सही लग रहा है। हाँ ये भी लेकिन एक फन है। हाँ ये गाड़ी साला शिप पे ले जाना भी एक फन है सुबह सुबह आधी नींद में। नॉर्वे में जब आप ट्रैवल करते हो ना, हाँ वहाँ हर जगह रोड नहीं है। हाँ तो ऐसे बीच में पानी आ गया तो फिर उन्होंने बोट्स लगा, फेरी लगाई होती है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए। पहले हम गए थे तो साइड से ऊपर चढ़ गए थे गराज के लिए, अब नीचे जा रहे हैं। ये जो साइड में रैंप देख रहा है, मैं कहेगा उस लेन में रखना। हाँ आप पहले रैंप से ऊपर चढ़, रैंप से ऊपर चढ़ गए थे, करेक्ट। अच्छा सब एकदम मतलब ऐसे इन्होंने वेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा ना प्रॉपर्ली। हाँ सही बात है, एक साइड लगा दिया पता चला टेढ़ा चल रहा है पूरे रास्ते टेढ़ा चल रहा है। छोटी वाली गाड़ियां भी तो इसी में आ रही है, मतलब यहीं पे लग रही है। यहां से तो बैक करके निकालना पड़ेगा, नहीं आगे जाएगी ना। अच्छा आगे से खुलेगी, करेक्ट 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 करेक्ट। इतना तो इनका दिमाग था। हाँ भाई
हमने एक सोफा पकड़ लिया है, मतलब ये बिजनेस लाउंज वाला, यहाँ पे अपन सो जाएंगे। ऐसे ना नाक वाक बंद हो गया, वैसे तो मैं दवाई भी लेके आया हूँ, मैं अपने बैग में ना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कार्डनेट वगैरह सारे चीज़ें लेके आया हूँ। हाँ कल भी जब पता नहीं लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, अगर कल भी इमिग्रेशन पे ना भाई मेरे को इतना समझाना पड़ा उनको कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, सो इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम यार। सो गया था 2 घंटे ऊपर, मतलब बात कर रहे थे उसके बाद तो मैं सो गया था। चलो अब वापस से फिनलैंड पहुँच गए एंड अभी गाड़ी यहाँ से उतरेगी तो अभी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, फिर अपन सीधा ऐसे ही उतरे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो यही गाड़ी है ना टोयोटा ना? ठीक है ठीक है, मैं जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और वेट करते हैं जब स्टार्ट होगी। मेरी गाड़ी कहाँ है यार? अच्छा बीच में है ना, दिख तो गई। अभी एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे कस्टम्स अपने को रोकता है या नहीं रोकता है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो तो अभी पता चलेगा। ऐसे कर देते हैं, थोड़ा 0.5 में व्यू अच्छा आता है ना। सुबह सुबह का टाइम क्या मस्त लग रहा है ना। ये दूसरी बार मैं आ रहा हूँ फिनलैंड। हाँ एक बार आए थे यहाँ पे 3-4 दिन अच्छे से स्पेंड करके गए थे, और ये दूसरी बार फिनलैंड, क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार। अच्छा सनशाइन है, मतलब अभी तो कह रहा है कि कुछ टाइम में तो साला धूप ही नहीं निकलेगी यहाँ पे। हाँ दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे, पूरे टाइम रात ही रहता है। भाई किधर से निकलना है? इधर से निकलना है ना। हाँ आगे जाके सर का वेट करना पड़ेगा क्योंकि सनी सर किसी और के साथ है, किसी और की गाड़ी में, तो वो उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अपन अभी सीधे जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं अपन? सीधे जा रहे हैं शिपिंग कंपनी। यस हम गाड़ी वापस से शिप कर रहे हैं इंडिया, और उसके लिए जाना है जी हमें शिपिंग कंपनी। तो उनसे बात ऑलरेडी हो गई थी, अब यहाँ से निकलते हैं बस। कस्टम वालों ने तो रोका नहीं भाई, बस देख रहे थे दूर से, बट रोका नहीं हमें। तो गाड़ी हमारी निकल चुकी है और दूसरी गाड़ी का वेट करेंगे थोड़ा आगे जाके। अच्छा ये आ तो गई दूसरी गाड़ी। हाँ हाँ ये सामने है ना, तो अब इस गाड़ी को फॉलो करना है अपने को। सनी सर वो ड्राइव कर रहे हैं। तो भाई यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाता है, तो अपन बेसिकली हाईवे होते हुए जाएंगे। एक सिटी का रोड भी था, बट वो सिटी में क्या है ना कि अभी के टाइम पे ना ऑफिस का ट्रैफिक वगैरह रहेगा, तो अपन सारा हाईवे होके जाएंगे। और फिनलैंड यार, स्कॉटलैंड के बाद अगर मुझे कुछ अच्छा लगा ना तो वो फिनलैंड था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, स्कॉटलैंड वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन भाई, बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब यूके अगर जा रहे हो ना तो भाई आप स्कॉटलैंड जाना। लंदन के बारे में मैं आपको बताता हूँ भाई, लंदन में पूरे सिटी में 20 माइल से ऊपर नहीं चला सकते, ये मैंने आपको बता दिया। एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो 4 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है, अगर 4 दिन पहले बुकिंग नहीं करोगे तो भैया आप उस रेस्टोरेंट में जाने का भूल जाओ। किसी भी जगह जाओगे पहले से आपको टेबल बुक करना पड़ता है और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, और वो पैसे आपके कवर चार्जेस नहीं है, सिर्फ इस रेस्टोरेंट में एंट्री के लिए। पार्किंग की जगह नहीं है, ठीक है। आप फोन उठा के ऐसे जो व्लॉग कर रहे हो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो भैया कभी भी फोन गायब हो जाएगा, कभी भी गायब हो जाएगा। कभी भी आपको, जैसे आप गाड़ी में हो, महंगी गाड़ी में हो, तो बगल से आके बोलेगा भाई पैसे दे, आप नहीं दोगे तो शीशा फोड़ देगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए आप पैसे दे देते हो। और ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर से ह्यूमन राइट्स इतना स्ट्रांग है कि आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। आप चोर आपके सामने चोरी कर रहा है लेकिन आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई उसका ह्यूमन राइट है चोरी करना। भाई ये क्या नाटक है यार, मतलब सीरियसली क्या नाटक है यार। साला चोर को भी सपोर्ट कर रहे तो चोरी तो बढ़ेगी ना। और इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है ना लंदन की। मेरे को ना धैया भाई भी और उधर फिर तनिष भाई से मिला था मैं, दोनों ये बताए थे भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा। चलो एनीवेज अपने को क्या करना, अपने को तो फिनलैंड पहुँचना था, अपन पहुँच गए और आज गाड़ी देनी है, तो अभी देखते हैं कि क्या हिसाब किताब रहता है एक बार। अरे यार इतना अंदर फॉगिंग कैसे हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैंने हीटर ऑन कर रखा है ना। ऑलमोस्ट पहुंच गए अपने वेयर हाउस पे जहाँ पे हमें गाड़ी देनी है। देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ है वेयर हाउस और वहाँ पे कौन मिलेगा अपने को। आई थिंक यही है शायद, नहीं ये देख रहे हो इतने सारे कंटेनर्स। हाँ
ये बेसिकली यही कंटेनर्स हैं जिसपे अपनी गाड़ी जाएगी। इस जगह का रेफरेंस अपने को मिला टर्बन ट्रैवलर सर से, अमरजीत सर से, क्योंकि उन्होंने अपनी, अरे उनकी भी गाड़ी लगी हुई है। ओ अमरजीत कार इज ऑल्सो हियर, द टोयोटा, इंडियन टोयोटा। ओ ग्रेट ग्रेट, so that's also going to get shipped on 5th. That's getting shipped as well. Yeah, I don't know what date it's getting shipped, but on 5th, on the 5th of November. 5th of November possibly. Yeah, I'm not sure. Okay, the other one is also there. Ye gaadi apni Indian number plate ki gaadi, theek hai, wahan pe. To abhi sari formalities karte, Andy will check everything. Hi Andy, how are you? I'm very well, thank you. So he'll do all the formalities and हम अभी पूछेंगे कि कारनेट का कैसे होगा, बिकॉज इंडिया में अपने को कारनेट वगैरह सारी चीज़ें चाहिए होगी, तो उसका क्या हिसाब किताब रहेगा वो एंडी अभी अपने को बताएगा। प्लस इंडिया में जो सर की गाड़ी, मतलब बेसिकली हम दोनों की गाड़ी ना एक ही साथ अनलोड होगी, ठीक है, तो सही है, एक बार अंदर उधर जाके देख लेते हैं, मज़ेदार है यार। चलो अपनी गाड़ी भी हो रही है और कारनेट वगैरह का उनसे पूछना है कि कारनेट, अमरजीत सर कह रहे हैं कि कारनेट उनको नहीं देना है। और बेस्ट पार्ट है ना कि यहाँ से ही अपनी गाड़ी कंटेनर में लोड होके सीधे इंडिया एक साथ ही पहुँच जाएगी, और दो गाड़ियाँ एक साथ है ना, तो मन को थोड़ा सा वो भी रहता है यार। हाँ भाई, मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है, अगर याद रहेगा तो ज़रूर बताऊँगा। ये 2,75,00,000 में मतलब रोड पे थे, अगर इसको कुछ भी हो जाता ना, अगर ये चोरी हो जाती, एक रुपए नहीं मिलता। सो क्या हुआ? No, we're talking about somebody else. अच्छा, we know a guy who's like he should start a trash channel. Like that's not what we tell him. Wrong car, Andy. It's the grey one that you sent to India. Sorry. सो अभी एंडी सारे फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। देखो अब विंडशील्ड आ जाता तो शायद इसके आगे हम जर्नी कंटिन्यू करते अपनी, बट विद दिस विंडशील्ड अगर कोई दूसरा भी कंप्लेन कर देता है ना रास्ते में, कोई भी दूसरा कंप्लेन कर देता है कि एक गाड़ी है इंडियन नंबर प्लेट और वो ना विदाउट टूटा हुआ विंडशील्ड, टूटे हुए विंडशील्ड से ट्रैवल कर रहा है, तो फिर ना चलान होता। अमरजीत सर का भी एक बार ऐसा चलान हुआ, बिकॉज उन्होंने बस लेन चेंज किया था, ठीक है, बस लेन चेंज किया था और किसी एम्बुलेंस ने कंप्लेन कर दिया, पुलिस ने आके रोका, और आई थिंक 13,000 रुपये का चलान था भाई। यहाँ चलान का भी तो ये है ना। क्या हुआ? No, we're just taking her picture next to the car. अच्छा, okay. The windshield is, yeah. Okay, that's fine. तो हमने ना अभी एंडी को सारा चीज चेक करा दिया कि गाड़ी में क्या क्या चीजें हैं, तो गाड़ी हमने पूरी खाली कर दी है। यहाँ पे गाड़ी देखो, सिर्फ एक जैक है पीछे, पूरा खाली कर दिया, मतलब सारा सामान हटा दिया। अब मैं कैसे ले जाऊंगा उसको फ्लाइट में, मुझे सीरियसली नहीं पता। विंडशील्ड क्लीनर और कुछ फ्लूइड्स है। अच्छा, मैं ना इससे जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हटा देता हूँ, बिकॉज़ ये फ्लेमेबल होते हैं, इसमें अल्कोहल होता है ना, तो ये हटा देता हूँ। बाकी क्योंकि अल्कोहल गाड़ी के अंदर नहीं रहना चाहिए, जितने भी परफ्यूम्स है ना, वैसे तो ये खत्म ही हो गया है। ये गाड़ी तो अपने सारा चेक करवा दिया, अभी देखते हैं क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है। पैसे भी आपको बताऊंगा कि कितने पैसे लग रहे हैं, मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इनका रेट, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे को जो दूसरा कोट आया था वो आया था ऑलमोस्ट डबल। यस एंडी, आई जस्ट गिव यू अ कॉपी ऑफ दैट जस्ट सो यू नो, सेम एज़ माइन, स्क्रैचेस देयर, या स्क्रैच देयर, little ones. Okay, little ones. Yeah, yeah, on the road. Yeah. And you need my carnet, copy of carnet, first and last page. No. So carnet. If they need, you can email it. तो अभी अपने को यहाँ से ये document मिला है, जो basically Andy यहाँ पे सिर्फ गाड़ी receive कर रहे हैं। अरे तुम चले जाओ पहले, चले जाओ भाई, चले जाओ। चलो Andy यहाँ पे गाड़ी receive कर रहा है, और फिर गाड़ी basically यहाँ पे container लगेगा, जो ट्रक आएगी उस पर कंटेनर यहाँ पे लगेगा, गाड़ी उधर से चढ़ेगी और सीधे कंटेनर के अंदर घुस जाएगी, और दोनों गाड़ियाँ अलग अलग कंटेनर 20-foot कंटेनर में जा रही है। तो अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स बाकी मिलेगा वो एलन से अभी बात कर रहे हैं। चलो बढ़िया है भाई। तो अपना गाड़ी वाला काम तो हो गया, मतलब इट डिडंट टुक मच टाइम। उन्होंने बस गाड़ी इंस्पेक्ट किया, क्या क्या चीज़ें ले जा रहे हैं, खाने का सारा सामान हमने निकाल दिया,
DF भी निकाल दिया, बिकॉज DF अगर गाड़ी के अंदर फटता रहा तो वो पूरा ख़राब कर देता। तो अभी अपने पास बहुत टाइम है, अपनी फेरी पता नहीं कितने बजे, वो एक बार सनी सर ने किया है तो उनसे पूछ लूँगा मैं। और अभी हम कहीं जा रहे हैं हल्का फुल्का कुछ खाने। There is no car which came, ना? No, that's why I'm surprised because it arrived 5 minutes ago. Yeah. So, अभी क्या है ना कि अपन वापस शिप पे जा रहे हैं और शिप हमने प्रीपॉन्ड कर ली क्योंकि फिर यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं था। एक मॉल में गए थे, वहाँ पे हर एक चीज़ किया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली देखो, गाड़ी 31st तक हमारी पार्किंग सर के पास थी, उसके बाद वो पार्किंग हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ता गाड़ी, इसलिए इतना हबड़ तबड़ में वो शिफ्ट किया। अभी क्या है ना कि इस ये गाड़ी मान लो कल को भगवान ना करे कि ऐसे कहीं भी चले जाए, भाई एक रुपये नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, एक रुपये नहीं मिलेगा। तो मिला जुला के सारा रिस्क आपके ऊपर है कि आप अपनी गाड़ी को कैसे रख रहे हो, इसलिए हमने गाड़ी शिप कर दी है जी। अब इसका जो मुझे कोटेशन आया था रोहित भाई से भी मैंने बात की थी जो हमारे ऑर्गेनाइज़र थे, तो उनसे जो कोटेशन आया था, उन्होंने जिस कंपनी से बात की उनका कोटेशन बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 4.5-5 लाख रुपए के आसपास था जर्मनी से। यहाँ पे हमें शिपिंग का सिर्फ पड़ रहा है 2,35,000 रुपए के आसपास, या 2,35,000 से थोड़ा सा कम पड़ रहा है शायद, मैं एग्जैक्ट होगा वो आपको बता दूंगा जब गाड़ी मुंबई पे आएगी, जब उनको पैसे पे करेंगे। अभी तक मैंने कोई पैसे नहीं पे किए, और मुंबई में जो एजेंट है वो अमरजीत सर और मेरा सेम रहेगा क्योंकि उन्हीं के जान पहचान में वो, और उनका ट्रस्टेड बंदा है, तो उससे भी एक बार बात करके बता देंगे कि हमने गाड़ी छोड़ दी है और आप कोऑर्डिनेट कर लो। चलो बढ़िया है भाई। थैंक्स क्रिस्टीना, थैंक यू सनी सर, बाय, मिलते हैं, ठीक है, बाय। चलो होटल पहुंच गए, शाम के 4 बज रहे हैं भाई, मैं अभी जाके सोने वाला हूँ, बहुत बुरी हालत है और मैं रास्ते में भी पूरा सोते सोते ही आया और अभी भी जाके मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, तो फीवरिश और शिवरिंग हो रही है मेरे को, शिवरिंग।